हेलो दोस्तों, ये टॉपिक फ्रंट व्यू का जो सेकंड टाइप आता है जो जनरली स्टूडेंट को नहीं समझता है, ये मैं इस सीरीज में बताने वाला हूँ। ये जो मैंने सुपर 300 की सीरीज बताई है, चलाई है, तो इसको आप जरूर एज अ प्लेलिस्ट प्ले करो ताकि आपके 140-150 मार्क इजीली फिक्स हो सके। तो स्टार्ट कर दे, देखो ये सेकंड टाइप का वीडियो है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको आप कैसे हैंडल करोगे, इस वीडियो को जरा समझते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे समझते हैं। बहुत सारे टीचर्स ये बताते हैं, अलग अलग मेथड होता है, मेरा थोड़ा अलग मेथड है, थोड़ा ये भी सीख लेते हैं। चलो, यहाँ पे टोटल लाइन काउंट करने होता है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन और 6 लाइन। टोटल लाइन 6 है। तो नीचे में भी जो ये क्या होता है, ये टॉप व्यू दिया होता है, क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। टॉप व्यू दिया होता है और ये फ्रंट व्यू दिया होता है, तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है। देखो तो 6 लाइन होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ऑप्शन नंबर ए हट गया। 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन नंबर सी हट गया। 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर डी भी है। तो दो ऑप्शन हमारे पास है, दो ऑप्शन हट गया है, सी और ए ऑप्शन हट गया है, ऑप्शन नंबर बी और डी यहीं पे अभी भी है। तो अब देखो जो फर्स्ट पार्ट है, ये बहुत बड़ा पार्ट दिया है ऑप्शन नंबर ए में, बी में छोटा पार्ट दिया, तो ऑप्शन नंबर बी हट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरे ख्याल से बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। अब इस फिगर की बात करते हैं, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर का टॉप व्यू सर्कल आएगा और फ्रंट व्यू, सिलेंडर का टॉप व्यू सर्कल आएगा और फ्रंट व्यू रेक्टेंगल आएगा। सिलेंडर है तो ये सर्कल आएगा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू सिलेंडर रेक्टेंगल आएगा। तो रेक्टेंगल सभी इसमें टॉप में दिख रहा है, तो मतलब ये सिलेंडर पक्का हो गया। अब देखते हैं हेक्सागोन का फ्रंट व्यू कैसे आता है। अगर हेक्सागोन की बात करते हैं तो हेक्सागोन का फ्रंट व्यू किस तरीके से दिखता है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, मतलब ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, इस तरीके से कुछ फ्रंट व्यू हमें दिखता है। तो ये जिस फिगर में दिखेगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो देखते हैं कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ है, यहाँ नहीं है और यहाँ है। तो दो ऑप्शन बच गए, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन अभी भी है। अब देखते हैं ये जो सिलेंडर दिया है, ये सेंटर में बिल्कुल बीचों बीच है, तो ये बीचों बीच दिया है, ये बीचों बीच दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हट गया। और लास्ट में देखेंगे तो अगेन ये किसी हेक्सागन का ही उसने फ्रंट व्यू दिया है। मैंने अभी एक मिनट पहले बताया कि हेक्सागन का फ्रंट व्यू कैसे निकालते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो ये गलत दिया है डी बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर थोड़ा केयरफुल ऑब्जर्वेशन करते हो तो ये प्रॉब्लम करना ज़्यादा ईजी है, बस आपको बेसिक शेप के फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू पता होनी चाहिए। ये देखते हैं अगेन प्रॉब्लम। अब देखो ये थोड़ा सा पिक्यूलर प्रॉब्लम है, तो थोड़ा मैं इसका और ज़्यादा बेसिक बताना चाहूँगा, थोड़ा ये बेसिक समझ लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो आप एक नोटबुक निकालो, उसमें यह चीज़ें लिख लो, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अगर सिलेंडर है तो इसका टॉप व्यू कुछ इस तरीके से, यह पिरामिड है तो इसका टॉप व्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या होगी, अगर ट्रंकेटेड पार्ट है, ट्रंकेटेड मतलब क्या होता है, इसको आप फ्रस्ट्रम बोलते हो, बकेट, उल्टी बकेट जिसको बोलते हैं, इसको फ्रस्ट्रम बोलते हैं। फ्रस्ट्रम का फ्रंट व्यू क्या होता है, तो ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजियम इसका फ्रंट व्यू होता है और टॉप व्यू इसका दो सर्कल आ जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ट्रंकेटेड पिरामिड आता है, ऐसा कुछ पिरामिड आपको दिया जाता है, तो इसका भी जो फ्रंट व्यू आएगा, फ्रंट व्यू क्या आता है इसका, तो इसका भी फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से ट्रेपेजियम दिखेगा, और जो टॉप व्यू है इसका, तो इसका टॉप व्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये दोनों टॉप व्यू, फ्रंट व्यू आप याद रखोगे ऐसी उम्मीद है, ताकि आप नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आएंगे वो अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अब अगर आपको ये चीज पता चल गई कि किस तरीके से इनके टॉप व्यू फ्रंट व्यू देखने हैं, तो देखो ये किसका दिया है, तो अगेन पिरामिड का टॉप व्यू दिया है, तो ऊपर जो सर पे होना चाहिए वो पिरामिड होना चाहिए, तो पिरामिड है, पिरामिड है, पिरामिड ऊपर है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे ट्रेपेजियम दिख रहा है टॉप व्यू में, अब मैंने ड्रॉ करके दिखाया था, ट्रेपेजियम कब दिखेगा, तो जो आपका टॉप व्यू रहेगा उसमें भी आपको ट्रेपेजियम दिखना चाहिए, फ्रंट व्यू में भी
आपको ट्रेपेजियम लिखना चाहिए, टॉप व्यू में ट्रेपेजियम है तो फ्रंट व्यू में भी ट्रेपेजियम लिखना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रेपेजियम बेस गलत दिया है, यहाँ पे रेक्टेंगल लिए तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो आप ट्रेपेजियम ड्रॉ कर सकते हो, ट्रेपेजियम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यहाँ पे ट्रेपेजियम आप ड्रॉ कर सकते हो। आप अगर देख पा रहे हो तो ये देखो ट्रेपेजियम है यहाँ पे, तो जो टॉप व्यू में ट्रेपेजियम है वही आपको फ्रंट व्यू में भी ट्रेपेजियम लिखना चाहिए। ये क्वेश्चन अगेन लाइन लॉजिक से आप सॉल्व कर सकते हो, इसको अच्छे से देखो और सॉल्व करो। यहाँ पे लाइन देखो 1, 2, 3 एंड 4, फोर लाइन है तो फिगर में भी फोर लाइन होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4 एंड 5 लाइन है, ऑप्शन नंबर हट गया। 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3 एंड 4, तो ये है ऑप्शन या ये है ऑप्शन, ये डिसाइड करना आपको पड़ेगा। तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो हम विड्थ चेक करेंगे इनकी, इनकी विड्थ चेक करेंगे किस तरीके से इनकी विड्थ आती है और वो डिसाइड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से देखो ये थोड़ा छोटा लग रहा है, अगेन ये सेम लग रहा है और ये भी सेम है, तो ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से सी सही होना चाहिए, डी गलत हो जाएगा। अब डी गलत क्यों है, ये गलत क्यों है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट होता है, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। थर्ड जो टाइप आता है एग्जाम में जिसमें स्टूडेंट फिर भी स्टक करते हैं, यहाँ पे भी सेम चलेगा जो लाइन लॉजिक मैंने बताया था। लाइन लॉजिक कैसे इसमें लगाते हैं ये मैं थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। कोई भी फिगर है तो जिस फिगर के जितने आपको फ्रंट साइड में कोना दिख रहा है, देखो एक कोना है, दो कोना है और तीन कोना, तो तीन कोने दिख गए यहाँ पे, देखो तीन कोने हैं, अगेन तीन कोने हैं, दो कोने हैं और तीन कोने हैं। फ्रंट व्यू से जितने आपको कोने दिखेंगे उतने आपको टॉप व्यू में लाइन दिखनी चाहिए। ये जो है सारे टॉप व्यू में आपको कोने हैं तो फ्रंट व्यू में आपको लाइन दिखनी चाहिए, ये एजेस बोल सकते हैं। टॉप व्यू में एजेस है तो फ्रंट व्यू में लाइन आपको उतनी ही रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो अगर ऐसी बात है तो टोटल यहाँ पे देखो कितने हमें एजेस दिखे थे, तो 3H, 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 3H और 2H, तो कितना टोटल हुआ, 14 हुआ इनका टोटल, 3, 3, 4, 12 और 2, 14 होता है। तो अगर 14 है तो हम चेक करते हैं कितने लाइन है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो ए में 15 लाइन है, ए में 15 लाइन है। बी की बात करें तो बी में भी लाइन काउंट करेंगे तो 1, ये थोड़ा इनको लाइन काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, तो 12 लाइन यहाँ पे है। सी की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मैं डबल काउंट कर रहा हूँ क्योंकि वो डबल लाइन है, ठीक है ना। अगर दो शेप एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं तो दो अलग अलग शेप है, तो इसका उसकी लाइन भी आपको अलग अलग ही लेनी पड़ेगी। इसके लिए मैं दो बार काउंट कर रहा हूँ, किसी को अगर डाउट आ रहा है कि सर दो बार क्यों कर रहे हैं काउंट, तो इसका ये बेसिक रीजन होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, ये बिल्कुल आपका 14 सही जवाब हो जाएगा और यही इसका जवाब होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो चुका होगा कैसे सॉल्व करना है, लाइन बस काउंट करो आपका आंसर अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। ये और भी इजी प्रॉब्लम है, देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। पहले तो ये बेस जो दिया है स्क्वायर, पहले नीचे से हर एक केस में बेस होना चाहिए, तो हर एक में बेस हमें दिख रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल है एंड ट्राइंगल है, तो हमें टोटल चार ट्राइंगल फ्रंट व्यू में दिखने चाहिए। तो जहाँ पे चार ट्राइंगल है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो देखो इसमें चार ट्राइंगल है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, आप इस कोने से भी ट्राई कर सकते थे, इस एज से भी ट्राई कर सकते थे, टोटल तीन लाइन बॉटम में दिखनी चाहिए थी, यहाँ पे भी तीन लाइन हमें दिखती है, 1 लाइन, 2 लाइन एंड 3 लाइन, ऑप्शन नंबर बी इस तरीके से भी आप सही ठहरा सकते थे। तो लाइन ट्राइंगल काउंट करना ज़्यादा इजी था, इसके लिए मैंने उससे भी ये बता दिया।
ये आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है, ये आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है, इसको ट्राई करो, सोचो क्या आएगा जवाब। ये अब देखो, टॉप व्यू दिया है हमें, बोल रहा है फ्रंट व्यू निकालो, फ्रंट व्यू निकालो, तो इसको कैसे निकालेंगे, फ्रंट व्यू कैसे निकालेंगे, तो हमें फ्रंट व्यू में दो रेक्टेंगल दिखने चाहिए, दो ट्राइंगल दिखने चाहिए। तो दो ट्राइंगल कहाँ दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी और डी में है, बाकी इसमें नहीं है, तो बाकी ऑप्शन हटा देते हैं। अब देखते हैं कि हेक्सागन है, तो हेक्सागन के नीचे मैंने बताया था कैसे निकालना है इसका टॉप व्यू, तो इस तरीके से ये फ्रंट व्यू देगा और टॉप व्यू उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लाइन और ये लाइन ओवरलैपिंग है, यहाँ पे जो लाइन है वो ओवरलैपिंग आनी चाहिए। अगर ये आती है तो देखो यहाँ पे ये ओवरलैपिंग लाइन नहीं है, ये लाइन एक दूसरे को मैच नहीं कर रही है, लाइन अलग अलग, तो ऑप्शन नंबर डी हट जाएगा। देखो ये ट्राइंगल का एज और हेक्सागन का एज मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे हेक्सागन दिया है, तो अगेन मैंने हेक्सागन का बताया है, हेक्सागन का जो फ्रंट व्यू रहेगा ये कुछ इस तरीके से फ्रंट व्यू आएगा। तो ये तीनों फिगर्स में हमें दिख रहा है, देखो तीनों फिगर में हमें दिख रहा है बॉटम में, उसके ऊपर सर्कल दिया है, सर्कल का मतलब होना चाहिए कि ये सिलेंडर होना चाहिए, और सिलेंडर अगर है तो सिलेंडर का फ्रंट व्यू हमें रेक्टेंगल दिखता है, तो ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये रेक्टेंगल नहीं है, ये तो ट्राइंगल दिया है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे फिर से वही चेक करेंगे, ये टॉप व्यू दिया है, तो फ्रंट व्यू में देखो, फ्रंट व्यू में आपको दो ट्रायंगल्स दिए हैं, तो दो ट्रायंगल आपको दिखने ही दिखने हैं, दो ट्रायंगल बस ऑप्शन नंबर बी में दिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। बिल्कुल 5 सेकंड का क्वेश्चन था ये, बाकी चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ये क्यों नहीं है वो क्यों है ये चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अगर फिर भी चेक करना होता तो देखो ये अगर है तो इसका मतलब क्या हुआ, आइदर ऊपर में पिरामिड होना चाहिए था, पिरामिड होना चाहिए था, तो पिरामिड नहीं है, हेक्सागोनल पिरामिड है, तो दो हमें ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हट जाएगा। ये जो दो शेप दिए हैं, ये शेप किसके शेप है, तो ये जो शेप है आपके, ये शेप आएंगे आपके प्रिज्म के शेप आएंगे, हेक्सागोनल प्रिज्म या फिर प्रिज्म के ये शेप आने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको जज कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। तो बस टॉप व्यू अच्छे से चेक करो, फ्रंट व्यू में आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। यहाँ से टॉप व्यू में अगेन हेक्सागन दिया है, पर ये हेक्सागन थोड़ा अलग शेप में दिया है, इस हेक्सागन का देखो टॉप व्यू क्या होता है, तो इस हेक्सागन का टॉप व्यू कुछ, सॉरी फ्रंट व्यू कुछ ऐसा होगा, और यहाँ पे सिंगल ट्रायंगल आपको दिखेगा फ्रंट व्यू में, ये सिंगल ट्रायंगल दिखना चाहिए, जहाँ पे भी डबल ट्रायंगल वो ऑप्शन काट देंगे। यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है और ट्रायंगल ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए फिर से सही हो जाएगा। और ये एक लास्ट प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये आप ट्राई करो, मैंने बताया है कैसे कैलकुलेट करेंगे, लाइन कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6, तो 12 लाइन आनी चाहिए, तो जहाँ पे भी 12 लाइन दिख जाए वो आपका आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल भी सही यहाँ पे होना चाहिए, आपका आंसर सही होना चाहिए। तो 12 लाइन कहाँ दिख रही है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी में 12 लाइन दिख रही है, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आप कैलकुलेट करो आपको समझ में आ जाएगा। ये फिगर जो दी है, ये जो मैंने ट्रंकेटेड शेप बताए थे, ये इसका बेसिक शेप है, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस फिगर को हैंडल कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है, तो जो अगर टॉप व्यू में ट्रेपेजियम दिखे या फिर फ्रंट व्यू में ट्रेपेजियम दिखे, तो वो टॉप व्यू में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। बस ट्रेपेजियम एक ऐसा शेप है जो दोनों साइड रिफ्लेक्ट होता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल फ्रंट व्यू में ट्रेपेजियम दिखा तो वो टॉप व्यू में भी ट्रेपेजियम दिखेगा, अगर टॉप व्यू में ट्रेपेजियम दिखा तो फ्रंट व्यू में ट्रेपेजियम दिखेगा, तो एक दूसरे में ये रिफ्लेक्ट होगा। ये हमें फ्रंट व्यू दिया है, तो हमें टॉप व्यू में चेक करना पड़ेगा कि दो ट्रेपेजियम कहाँ दिख रहे हैं। अगर हम एक साइड से व्यू लेते हैं तो दो ट्रेपेजियम हमें कहाँ दिख रहे हैं, देखो यहाँ तो एक ही ट्रेपेजियम नहीं है, ऑप्शन हट गया, यहाँ पे भी ट्रेपेजियम है, ये भी ऑप्शन हट गया, यहाँ पे सिंगल ट्रेपेजियम है, वन ट्रेपेजियम है, पर हमें ओरिजिनल फिगर में दो ट्रेपेजियम दिए हैं, तो दो ट्रेपेजियम बस ऑप्शन नंबर ए में दिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। विद इन सेकंड के क्वेश्चन से ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, पर कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। अगेन ये ट्रेपेजियम बेस है, आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है फ्रंट व्यू में, तो टॉप व्यू में भी ट्रेपेजियम दिखेगा, तो ये कहाँ दिख रहा है, देखो टॉप व्यू में यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हट गया, यहाँ पे तो ट्राइंगल भी नहीं है ट्रेपेजियम भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी हट गया।
थर्ड फिगर में देखो ट्रेपेजियम तो दिख रहा है, पर ट्रेपेजियम के चलते चलते ट्रायंगल भी दिख गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमें बस ट्रेपेजियम ही दिखना चाहिए, ट्रेपेजियम बस एक में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हमें स्क्वायर भी दिख रहा है, तो मैंने अभी बताया था अगर ट्रंकेटेड पिरामिड है तो इसका जो टॉप व्यू आएगा तो मैंने ड्रॉ करके दिखाया था, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये और ये मेरे ख्याल से बिल्कुल 100% मैच कर रहा है, तो ये जो शेप है 3D ब्लॉक है ये ट्रंकेटेड पिरामिड ही है। ये करते हैं लास्ट प्रॉब्लम और मैं यहाँ पे रुकता हूँ, फिर आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो देखो ये क्या चीज़ है, ये दिया है सर्कल है और नीचे रेक्टेंगल दिख रहा है। पहली बात तो इसको हटा देते हैं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट दे रहा है, ट्रांसपेरेंट कुछ नहीं होता है तो इसको हटा देते हैं। सेकंड चीज़ यहाँ पे लाइन दी है पर हमें यहाँ पे कोई भी एजेस दिख नहीं रहे, तो ऑप्शन नंबर डी को भी हटा देते हैं। अब थर्ड की बात करते हैं, ये सर्कल दिया है मतलब नीचे में स्क्वायर आना चाहिए, क्यों मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सिलेंडर है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे दोनों इसमें हमें क्या दिख रहा है, तो ट्राइंगल टाइप दिख रहा है, पर यहाँ पे अगर बात करें तो ये ट्राइंगल कोन का हो सकता है, पर ये जो ट्राइंगल ये डेफिनेटली पिरामिड का है क्योंकि दो ट्राइंगल दिख रहा है मतलब पिरामिड है, तो ऑप्शन नंबर सी हट गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों यहाँ पे मैं रुकता हूँ, आपने सारी की सारी प्लेलिस्ट अच्छे से देख ली होगी तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर अच्छा जाएगा। तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।